देख रहे हैं गांव आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज गांव आज तक की पहली कहानी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी गांव के एक ऐसे शख्स की है जिसने 46 साल पहले एक अनोखी कसम ले ली थी। कसम के मुताबिक वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर लेगा। दुर्भाग्य देखिए, पिछले 46 साल से ना तो वो हाई स्कूल पास कर पाया है और ना ही उसकी शादी हुई है। 77 साल की उम्र में भी वो शख्स एक बार फिर से हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारियों में जुटा है। क्रियाकलाप 2.6 परख लेने में लगभग 2 मिनट। 77 साल की उम्र में 10वीं की किताब में सिर खपा रहे ये हैं शिवचरण यादव। एक कसम के चलते शिवचरण पिछले 46 साल से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले के गांव खोरी के रहने वाले शिवचरण ने जवानी में कसम खाई थी कि वो बिना हाई स्कूल पास किए शादी नहीं करेंगे। अफसोस, कड़ी मेहनत के बावजूद वो 46 साल से हाई स्कूल में फेल हो रहे हैं। ये इनका जुनून ही है कि आज भी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। शादी हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं, अब 10वीं पास करने की उम्मीद है, अब लग रहा हूँ, देखो क्या होगा आगे। अलवर के खोरी गांव के एक मंदिर में गुजर बसर कर रहे शिवचरण इन दिनों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में जी जान से जुटे हैं। मंदिर के शोरगुल के बीच भी वो किताबों में डूबे हुए हैं। शिवचरण को पूरी उम्मीद है कि वो अपने 47वें प्रयास में हाई स्कूल का चक्रव्यूह तोड़ने में कामयाब होंगे और अपनी कसम पूरी करेंगे। हालांकि शिवचरण खुद भी जानते हैं कि ज्यादा उम्र की वजह से उनकी शादी होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। अगर देसी मिल जाए दी बेस्ट, और विदेशी भी हो कोई बात नहीं है, जैसे पास करके ना शादी करने की उम्मीद है। शिवचरण यादव ने साल 1969 में पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। इनके साथ के लोग नौकरी करके रिटायर्ड भी हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं। कदमों को पूरा करें। खोरी गांव की तकरीबन हर पीढ़ी के साथ शिवचरण हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके हैं। 46 साल से ऐसा कोई साल नहीं बीता है जब इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा न दी हो। हालांकि कई बार बदलते पैटर्न की वजह से इन्हें मायूस होना पड़ता है। कभी गणित में फेल हुए तो कभी अंग्रेजी में, कभी साइंस में फेल हुए तो कभी हिंदी में। उसने इतने सारे एग्जाम दे लिए और अभी तक वो सफल नहीं हो पाया है। वो कभी किसी पेपर में रह जाता है। अच्छा, एक चीज और देखने की है, वो फॉर एग्जाम्पल इस बार मैथ में फेल हुआ, नेक्स्ट बार वो मैथ में फेल नहीं होता है, वो दूसरे सब्जेक्ट में होता है। इट मीन्स ये हम मान सकते हैं कि वो मेहनत तो कर रहा है निश्चित तौर पे। तो हमारी जो ये एग्जाम दे रहे हैं ये बच्चे, जो उनसे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ वो एग्जाम देगा, उनको भी एक मैसेज जाता है कि आदमी को किस तरह से मेहनत करनी चाहिए और अपने मुकाम प्राप्त करने के लिए उसको अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। गांव वालों के मुताबिक शिवचरण जब छोटे थे तभी इनके माँ बाप की मौत हो गई थी। ये जब बड़े हुए तो रिश्तेदारों ने इनकी शादी की बात चलाई, लेकिन इन्होंने शादी के लिए एक शर्त रख दी। शर्त के मुताबिक जब तक ये हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं करेंगे शादी नहीं करेंगे। ये 47वीं बार परीक्षा दे रहे हैं अब की बार, और इनकी जिद थी। इनके हमारे बुजुर्ग बताते हैं पहले से जब इनके रिश्ते के लिए आए थे तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं 10वीं क्लास पास नहीं कर लेता उससे पहले मैं शादी नहीं करूंगा, और इसी जिद पे आज तक ये कायम है। और ये 47वीं बार परीक्षा दे रहे हैं लेकिन आज तक ये 10वीं क्लास पास नहीं कर सके हैं। हाई स्कूल पास करने की जिद में शिवचरण ने हाई स्कूल में फेल होने का अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया है। अब तो गांव के लोग भी भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि शिवचरण किसी तरह से हाई स्कूल की परीक्षा पास करें और अपनी कसम पूरी करें। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अलवर आज तक। अब आपको गांव की तरक्की की कहानी दिखाते हैं। झारखंड के सबसे बड़े चांडिल डैम के आसपास के करीब 90 गांव की तस्वीर पिछले कुछ सालों से बदल गई है। जो लोग पाई पाई के मोहताज थे वो अब लाखों में खेल रहे हैं। गांव में कैसे हुआ ये सब कुछ आप खुद देखिए। झारखंड के खरसावां जिले का चांडिल डैम कृत्रिम होते हुए भी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस डैम ने यहाँ के करीब 90 गांवों की जिंदगी बदल दी है।
लगभग इससे 15। चांडिल डैम की मछलियों ने गांव के लोगों को मालामाल कर दिया है। मुनाफे की वजह से ही साल 2000 में जहां मछलियों के कारोबार में 14,000 लोग जुड़े थे, वही आज करीब 1,00,000 लोग ये कारोबार कर रहे हैं। यही वजह है कि जहां कुछ साल पहले तक इस डैम से 14,000 मीट्रिक टन मछलियों का उत्पादन होता था, वहीं आज ये उत्पादन बढ़कर 90,000 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। चांडिल डैम से पकड़ी जा रही मछलियों की सप्लाई झारखंड समेत कई राज्यों में हो रही है। जब एक 96 क्यूबिक मीटर 4 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे ये केज में जब हमने खुद का देखा कि 4,000-5,000 किलो मछलियां हुई, तो मुझे लगा कि ये है सो सबसे बूमिंग होगा। फिश बास्केट के नाम से मशहूर इस इलाके में मछली पालन की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल चांडिल डैम के डूब क्षेत्र में आने की वजह से ये लोग अपना घर बार और जमीन सब कुछ खो चुके हैं। सरकारी मुआवजे की आस में सालों भटकने के बाद ये विस्थापितों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर थे। लेकिन इन लोगों ने जब से चांडिल डैम में मछली का कारोबार शुरू किया, इनकी किस्मत ही बदल गई। अब ये लोग न सिर्फ अपने पैर पर खड़े हैं, बल्कि महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं। पहले तो शुरू में तो हम लोग विस्थापित मुक्ति वाहिनी के आधार पर हम लोग चांडिल डैम के जो विस्थापितों का हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। अभी फिर हम लोग यहाँ पर समिति बना के अभी हम लोग फिर मछली पालन कर रहे हैं। पानी और मछली और जमीन और जंगल हमारा है, ये नारा हम लोग का है। इसी पर हम लोग को जलाशय लिए, जो हम लोग एक मछली पालन का शुरुआत किए। अभी तो वो तो बोल दिए सर, डरना खता है सब। अभी एक एक में अभी खाना दाना सबको दिला करके। चांडिल डैम में हो रहे मछली उत्पादन में यहाँ पर लगे जाल नुमा केज का काफी अहम रोल है। पूरे देश में जहाँ इस तरह के 300 केज हैं, वहीं सिर्फ चांडिल डैम में 800 केज लगाए गए हैं। इन केजों के लिए केंद्र सरकार से 90% मदद मिल रही है, जबकि 10% रकम इन्हें खुद खर्च करनी होती है। मछली कारोबार में लगे इन लोगों के मुताबिक इन केजों की वजह से मछली उत्पादन हर साल बढ़ रहा है और उसी रफ्तार से बढ़ रहा है इनका मुनाफा भी। मछली पालन ने इस पूरे इलाके में खुशहाली लाई है। 2-3 साल पहले तक चांडिल के विस्थापित यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रहे थे, लेकिन अब ये लोग मछली पालन कर लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। धर्मवीर सिन्हा, चांडिल डैम, आज तक। गुजरात के नवसारी जिले में एक ऐसा गांव है जहां घर घर में टीचर रहते हैं। कोई गांव में टीचर है तो कोई शहर में। यही वजह है कि टीचरों वाले इस गांव में शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। आखिर क्यों इस गांव के लोग टीचर बनना चाहते हैं, देखिए। गुजरात के नवसारी जिले का ये गांव शिक्षकों वाले गांव के नाम से मशहूर है। यहाँ घर घर में आपको शिक्षक मिल जाएंगे। नवसारी जिले के कुकेरी गांव में 1952 से बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है। इस गांव के 90% लोग शिक्षक हैं। कई परिवार तो गांव में पीढ़ियों से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं 85 साल के भीखू भाई परमार, जिनके तीनों बेटे भी शिक्षक हैं। दिलचस्प बात यह है कि भीखू भाई के परिवार के 25 लोग शिक्षक बनकर बच्चों को ज्ञान बांट रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर 1952 में टीचर में ज्वाइन किया था और बाद में मेरे फादर भी टीचर बने, मेरी मदर भी टीचर है। आज मैं खुद टीचर हूँ, मेरी वाइफ टीचर है, हम सब पूरा फैमिली टीचर है। मेरे को ये गर्व है कि हम लोग राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक अच्छी पीढ़ी, अच्छे नागरिक हम लोग सिटीजन दे रहे हैं। ये इन शिक्षकों का ही कमाल है कि यहाँ पर अनपढ़ आपको ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। ये शिक्षक बच्चों में अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हौसला भर रहे हैं। शिक्षकों के लिए मशहूर इस गांव ने पूरे नवसारी जिले में अपनी अलग पहचान बनाई है। हम तीनों भाई टीचर हैं। हम दो भाई अभी रिटायर हो गए हैं। एक भाई है हाई स्कूल में प्रिंसिपल है, उसकी जो वाइफ है वो भी अभी हाई स्कूल में प्रिंसिपल है। कुटुंब में लगभग 97% टीचर है। कुकेरी गांव से महज 15 किलोमीटर पर बसे मिनकच्छ गांव के इन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी पिछले कुछ सालों में काफी सुधरा है। आज इन बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए लैपटॉप पर पढ़ाई करवाई जाती है, ताकि गांव के बच्चे शहरों में पढ़ने वाले बच्चों से किसी भी मायने में कम ना रहे। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ।
गुजरात के इस गांव की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक है। अगर इसी तरह से देश का हर गांव शिक्षा पर ध्यान दे तो देश की तस्वीर ही बदल जाए। नवसारी से रौनक जारी आज तक। गांव आज तक में आज बस इतना ही। कुछ और गांव की दिलचस्प और रोचक खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के T20 मैच पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने आई टीम अभी भी भारत में ही मौजूद है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये कहना, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा